नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आइए आज हम सीखते हैं जियो मार्ट कैशबैक से हम अपने जियो नंबर को कैसे रिचार्ज करके जियो कैशबैक को हम रिडीम कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपके पास माई जियो एप्लीकेशन है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो आपको ओपन करना होगा अपना प्ले स्टोर और यहाँ पर लिखना होगा माई जियो। ये देखिए आ गया माई जियो एप्लीकेशन, तो मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो मैं कर लेता हूँ ओपन। आपके पास नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा फिर ओपन कीजिएगा। ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा और आप फर्स्ट बार यूज कर रहे होंगे तो आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। आप यहाँ पे अपना नंबर इंटर कीजिएगा जिस नंबर से आप लॉगिन होना चाहते हैं या जिस नंबर पर आपको कैशबैक मिला हुआ है, आप उस नंबर से पे रिचार्ज करके अपने कैशबैक को रिडीम करना चाहते हैं तो उस नंबर से लॉगिन कीजिएगा। आप अपना नंबर इंटर कीजिएगा। ये देखिए हमने अपना नंबर इंटर कर दिया। अब हम करेंगे क्लिक लॉगिन पे। हमारे इस नंबर पे एक ओटीपी आएगा और वो ऑटोमेटिक देखिए डिटेक्ट हो गया और हमारा ये मेन विंडो ओपन हो गया। अब मान लीजिए जिस नंबर से हमने अपना माई जियो लॉगिन किया है उसी नंबर पे कैशबैक मिला है और उसी नंबर को रिचार्ज करना है तो हम सीधे रिचार्ज बटन पे क्लिक करेंगे और उसके नीचे हमें दिखेगा यू हैव नो एनी रिचार्ज, बट हमारे में ऑलरेडी रिचार्ज है तो इस पे दिखा रहा है कि ऑलरेडी ये रिचार्ज है बट आपके नंबर पे नहीं होगा तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरा, अगर से आपके घर में किसी मेंबर को जियो का नंबर है उन पे भी जियो मार्ट कैशबैक मिला हुआ है तो आप उनके नंबर को भी यहाँ से रिचार्ज करके कैशबैक रिडीम कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको ये ऊपर थ्री लाइन्स पे क्लिक करना होगा, रिचार्ज योर नंबर। रिचार्ज योर नंबर पे जैसे क्लिक करेंगे आप अपने उसी नंबर को रिचार्ज कर पाएंगे जिस नंबर से आपने ये माई जियो एप्लीकेशन लॉगिन किया है। मान लीजिए आपके घर में कोई जियो नंबर यूज कर रहे हैं, उन्होंने 200 या 200 से अधिक के नंबर रुपए से रिचार्ज किया है बट उनको भी कैशबैक मिला है बट उनके फ़ोन में माई जियो सपोर्ट नहीं करता या माई जियो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आप नीचे दूसरे नंबर पे रिचार्ज फॉर ए फ्रेंड पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप उनका नंबर एंटर कर दीजिए, जैसे मैंने कॉपी कर रखा था मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। अब नीचे प्रोसीड बटन है उस पर क्लिक करेंगे, आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब आपको अपना टैरिफ प्लान सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे करना है 555 का तो मैं 555 पे बाई लिखा हुआ है मैं बाई पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हमने बाई पे क्लिक किया ये देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट पेएबल है जो हमें 555 देना है, यहाँ पे साइड में अप्लाई बाउचर लिखा हुआ है ऊपर, तो हम अप्लाई बाउचर पे क्लिक करके देख लेते हैं कि जियो की तरफ से मुझे कोई पहले से कैशबैक का बाउचर मिला तो है तो वहाँ से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमने अप्लाई पे क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है यू डोंट हैव एनी बाउचर, यानी हमारे पास जियो की तरफ से कोई बाउचर नहीं है। अब उसी के नीचे आ रहा है यह ऑफ़र आ रहा है जैसे 20% कैशबैक जियो मार्ट महा कैशबैक, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अगर से आप 5% का कैशबैक चल रहा है मूवी क्विक पे तो आप यहाँ से भी अपना ये चेक करके अपना ये कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा उसी के नीचे आ रहा है जियो मार्ट कैशबैक, ये उन्हीं नंबर पे शो करेगा जिनको पहले से कैशबैक जियो मार्ट का मिला हुआ है। इनकेस अगर से किसी नंबर पे फर्स्ट टाइम आप रिचार्ज कर रहे हैं आपके नंबर पे जियो मार्ट कैशबैक नहीं है तो यहाँ पे ये जियो मार्ट कैशबैक का ऑप्शन नहीं आएगा। अब मुझे दिखा रहा है जियो मार्ट कैशबैक, आगे एक बॉक्स बना हुआ है चेक बैलेंस की, आप बैलेंस चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जियो मार्ट कैशबैक में कितने का बैलेंस है, कितना पड़ा हुआ है, तो मैं चेक बैलेंस पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने जियो मार्ट कैशबैक पे क्लिक किया हमारे पास दिखा दिया कि 111 रुपया हमारे पास पड़ा हुआ है। लास्ट टाइम मैंने 555 का रिचार्ज किया था तो 20% ही हमें कैशबैक मिलता है टोटल वैल्यू का, इनवाइस वैल्यू का, तो 555 का 20% होता है 111 रुपया, तो हमें 111 ही मिला हुआ है। और इसी तरह से हम जब रिचार्ज भी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि 555 का हम रिचार्ज कर रहे हैं तो जैसे जितने का रिचार्ज कर रहे हैं, जैसे 111 रुपया मिला हुआ है तो हम 149 रुपये का या 200 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो 111 रुपये पूरा रिडीम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम टोटल रिचार्ज अमाउंट का 20% ही कर सकते हैं,
तो जैसा 555 का लास्ट टाइम हमने रिचार्ज किया था, हमें 111 रुपये मिले थे। अगर मुझे ये पूरे 111 रुपये रिडीम करने हैं तो मुझे 555 का ही रिचार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि 555 का ही 20% होता है 111। तो सीधी सी बात है, टोटल इनवाइस का आप 20% ही कर सकते हैं। तो ये देखिए नीचे लिख के आ रहा है, मैक्स रिडीमेबल फॉर दिस ट्रांजेक्शन इज 111 रुपये। तो हम देख लेते हैं कि क्या हम 555 से नीचे का रिचार्ज करते हैं तो क्या उस पर हम पूरे 111 रुपये कर पाएंगे। ये मान लीजिए हम 249 का करते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे हम पूरे 111 रुपये नहीं कर सकते, क्योंकि 249 का अब ये हम तो बैलेंस देख लिया कि जियोमार्ट कैशबैक में हमारे 111 रुपये पड़ा है, लेकिन 249 का 20% होता है 49 रुपीज़ 80 पैसा। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 49 रुपये ही हम रिडीम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें 49 लिखना होगा और अप्लाई पे क्लिक करना होगा। और अगर से हमें पूरे पैसे रिडीम करने हैं तो 555 का करना पड़ेगा, तब जाके होगा। अब जैसे ही हम अप्लाई पे कर दिए, यहाँ अप्लाई पे कर दिया, तो 49 रुपये हमारे जियोमार्ट कैशबैक से रिडीम होगा। बाकी देखिए अब ऊपर आ गया अमाउंट पेएबल 200, तो यानी 49 रुपये हमारे जियोमार्ट कैशबैक से हो गए, 249 रुपये का प्लान था और 200 रुपये हम पे करना है। अब उसके लिए हम अपना पे फोन पे गूगल पे पेटीएम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या और भी ऑप्शन अवेलेबल है, हम यहाँ से उस पर क्लिक करके हम अपने 200 को रिडीम कर सकते हैं। जैसे आपने फ़ोन पे क्लिक कर दिया तो आपका फ़ोन पे ओपन होगा और आपसे 200 रिडीम करने के लिए कंफर्मेशन मांगेगा, आपको कंफर्म करना है। ये देखिए जैसे ये आ गया, मेरा फ़ोन पे ओपन हो गया। अब हमें ये सेंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, मेरा 200 रुपये यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा और मेरा नंबर रिचार्ज हो जाएगा। तो मुझे अभी नहीं करना है, ऑलरेडी मेरे पे रिचार्ज पड़ा है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं।